इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। जीएसटी काउंसिल ने 28% की सबसे ऊंची श्रेणी से 178 आइटम्स को हटा दिया है और स्टार होटल्स को छोड़कर सभी रेस्टोरेंट्स के टैक्स में 5% की कटौती कर दी है, लेकिन उन्हें दी जाने वाली इनपुट सुविधा भी वापस ले ली गई है। इंडस्ट्री ने इस कदम की सराहना की है और कहा कि कंज्यूमर को इसके फायदे मिलेंगे। पाकिस्तान ने घोषणा की है कि कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की पत्नी उससे सिर्फ मानवता के आधार पर मिल सकती है। उसे वहां की मिलिट्री अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। केंद्र संसद के शीत सत्र में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बदलाव लाने के लिए बिल पेश करेगी। इसमें एनआरआईज को बाहर देशों से अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। CISF ने पुणे, नागपुर, त्रिची और गोवा एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले पैसेंजर्स को बिना हैंडबैग स्टैम्प करवाए जाने की अनुमति दे दी है। यह नियम दशकों पहले सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया था। इसके साथ कुल मिलाकर ऐसे 23 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। जस्टिस जे चेलामेश्वर के बेंच द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। यह बेंच एक भ्रष्टाचार के मामले पर सुनवाई शुरू करने वाली थी, जिसमें ओडिशा हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का भी हाथ है और पिटिशनर्स का कहना है कि अभी कुछ जजेस के नाम सामने आए हैं। भारत और पाकिस्तान ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार गश्त लगाने पर सहमति बनाई है, ताकि नागरिकों से भी काफी सावधानी से डील किया जा सके। ये फैसला हर साल दोनों सीमा सुरक्षा बलों के मुखिया के बीच होने वाली बातचीत में लिया गया। NGT ने कहा कि राजधानी में वाहनों को ऑड इवन नंबर के हिसाब से चलाए जाने की योजना पर तब तक अमल नहीं किया जा सकता जब तक उसके प्रभाव के बारे में पता न चल जाए। एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि वह दिल्ली और NCR इलाके में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन योजना को 13 से 17 नवंबर तक फिर से लाने वाली है। UP पुलिस ने गेट वेल सून के संदेशों और खूबसूरत टिप्पणियों का एक संग्रह जारी किया है। उन्होंने ऐसा उस घायल स्विस दंपत्ति के लिए किया है, जिन्हें 22 अक्टूबर को आगरा में बुरी तरह से मारा पीटा गया था। बाएं हाथ के पूर्व भारतीय बल्लेबाज 75 वर्षीय अमृतसर के गोविंद सिंह मिल्खा सिंह का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। BCCI ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय लीला भंसाली की विवादास्पद फिल्म पद्मावती की रिलीज को बैन करने के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दीपिका पादुकोण एक राजपूत रानी की भूमिका निभा रही हैं। कुछ हिंदू संगठन और राजनीतिक पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि इस फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिस आरोप को भंसाली ने नकार दिया है। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।